बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये है म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था। अच्छा, थोड़े से ये कि हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हैं वो अपेयर हो जाएं क्लास में। ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज है? इसमें बेसिकली दो कॉइल हम लेंगे और एक कॉइल का हम करंट चेंज करेंगे और उसकी वजह से दूसरी कॉइल जो कि इन कॉन्टेक्ट नहीं है फिजिकली लेकिन कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से होगा मैं आपको पहले ड्रॉ करके दिखा दूं, फिर इसके बारे में हम लिखेंगे। देखिये, एक आपके पास आप एक लूप डिजाइन कर देंगे, एक कॉइल बना देंगे। ठीक है, और इस कॉइल को आप कनेक्ट कर देंगे इसके दो एंड्स। ठीक है, और इसको आप कनेक्ट कर देते हैं रियोस्टेट के साथ। रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है और एक बैटरी शो कर देंगे यहां पे। सेटअप आप यहाँ पे देख लें कि एक रियोस्टेट एक हमारे पास बेसिकली डिवाइस है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें ये मौजूद होता है जिससे हम अमाउंट ऑफ करंट को चेंज कर रहे होते हैं। एक नॉब होती है, ठीक है, उसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करते हैं तो उससे हम करंट के अमाउंट को चेंज करते हैं। ठीक है, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, तो उसको हम रियोस्टेट कहते हैं। तो इस तरह से बनाया जाता है, ये एक एरो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, ये रेजिस्टेंस हम शो करते हैं, तो ये रियल स्टेट का एक सिंबल होता है। ठीक है, अच्छा, एनी हाउ यहाँ पे अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है कि रियल स्टेट क्या होता है, बस एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो आपने जहन में रखी है अमाउंट ऑफ करंट को चेंज करने के काम आती है। अच्छा, अब देखें इसी के सामने हम एक और कॉइल जो है ना वो बना रहे हैं और यहाँ पे एक और हम यहाँ पे लूप कंसिडर कर लेते हैं और ये जो लूप है इसका फिजिकली कोई कॉन्टेक्ट नहीं है इसके साथ और यकीनन एक कॉइल है तो इसके भी दो एंड्स हैं। ठीक है, ये दो वायर आप यहां से शो कर दें। अब इसको आप कनेक्ट करेंगे एक गैल्वेनोमीटर से। किससे शो करें, किससे कनेक्ट करेंगे? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर लेता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से करके गैल्वेनोमीटर के साथ इसको आप कनेक्ट कर, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है जिसमें रियोस्टेट लगा हुआ है और यहाँ पे जो दूसरा कॉइल है एट सम डिस्टेंस इस पे यहाँ पे रखा हुआ है और गैल्वेनोमीटर के साथ इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जब आप अमाउंट ऑफ करंट को चेंज करेंगे इस कॉइल में, जिसमें अमाउंट ऑफ करंट को चेंज करेंगे इसको हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे। ठीक है, और ये जो सामने रखा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी कॉइल। तो एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से उसमें भी करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे चेंज लेके आएंगे, इसमें खुद ब खुद जो है ना वो करंट प्रोड्यूस होगा और ये जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है ये फिर मूव भी करेगा। फिर आप ये देखेंगे कि ये मूव भी कर रहा है। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा फेनोमेना है कि फिजिकली कोई कांटेक्ट भी नहीं है इन दोनों कॉइल्स का लेकिन इसके बावजूद भी इसमें जो है वो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब इसकी रीजन क्या है कि मतलब इसका करंट चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है या कैसे करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है? तो देखिए, जब इसका करंट चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अच्छा बेटा, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है तो हम थोड़ी देर के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होते हैं। ओके, तो बात बड़ी सादी से मैं कर रहा था वो दोबारा सुन लें कि प्राइमरी कॉइल जिसको आप एक सोर्स से कनेक्ट करते हैं और सोर्स से कनेक्ट करने के बाद एक रियो स्टेट आपके पास मौजूद है। रियो स्टेट से सिर्फ और सिर्फ आप अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस होता है वेरिएबल, तो अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर करंट का अमाउंट एक ही रहेगा जो भी है। ठीक है, और इस सूरत में यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है।
आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। हमने लास्ट क्लास में यही डिस्कस किया था। अब यहाँ पे अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स का चेंज होना है। अब फ्लक्स कैसे चेंज होगा देखें, ये वाला सेटअप यहाँ पे अगर मैं अलग से करके आपको दिखाऊं, तो ये देखें ये कॉइल है और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ विद हेल्प ऑफ सम सोर्स, ठीक है। और सोर्स के साथ जब आप इसे कनेक्ट कर देते हैं लाइक ये इस तरह से कर ले चलें, तो अब ये देखें इसके साथ होगा क्या। यहां पे जब आप करंट चेंज करेंगे, अगर नहीं चेंज करेंगे तो क्या होगा, चलें ये हमने रियल एस्टेट हटा दिया, फिक्स अमाउंट ऑफ करंट अगर हम शो करें तो देखें इसमें से जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसमें क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन भी की थी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, सपोज करें ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं जो इसमें से पास हो रही है, ठीक है। फर्दर ये आगे जाके लाइक इस तरह से पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रही होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक पूरी यहाँ पे बनती है। अच्छा अब देखें, अगर ये रियो स्टेट नहीं है, फिक्स अमाउंट ऑफ करंट है, तो जो भी फील्ड है वही है, ठीक है, वो फील्ड इसे भी मिल रही होगी, लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज करने के लिए क्या जरूरी है कि यहां से अमाउंट ऑफ करंट को आप कम ज्यादा करें, कम है तो ज्यादा की तरफ लेके जाएं, ज्यादा तो कम की तरफ लेके आए, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना ये चेंज होगा। जब अमाउंट ऑफ करंट को कम करेंगे तो यहाँ पे लाइन तो कम हो जाएंगी, और जब आप यहाँ से करंट के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स ये भी बढ़ेगी। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, तो इसी को हम कहते हैं फ्लक्स का चेंज होना। तो अब यही फ्लक्स हम यहाँ चेंज करेंगे विद हेल्प ऑफ रियो स्टेट, तो देखें इससे लाइन ऑफ फोर्स जो निकल रही है वो इसमें से भी पास होंगी, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये ऐसे करके पास हो रही है दूसरी कॉइल में से भी, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी कॉइल के लिए भी चेंज होगा जब आप यहाँ से अमाउंट ऑफ करंट को चेंज करेंगे। तो इसकी वजह से अब क्योंकि यहाँ फ्लक्स चेंज होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। बात समझे कुछ, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है। आमने सामने कॉइल्स हैं और इसके इसमें अमाउंट ऑफ करंट को चेंज करने की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसका फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब इसके बारे में हम लिख भी लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल गया होगा आपको कि इसमें हम क्या चीज देख रहे हैं, तो इसको अब लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा अब पहले लिख लें फिर उसको हम दोबारा समझा लेंगे, ठीक है, पहले लिख लें इसे। When current is changed, in the primary coil, with the help of rheostat, स्पेलिंग इसका आप लोग देख लें सामने लिखा हुआ है RHEOSTAT, ठीक है, रियो स्टेट, और ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, ये भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। व्हेन करंट इज चेंज इन द प्राइमरी कॉइल विद द हेल्प ऑफ रियो स्टेट यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अच्छा अब देखें यहां पे जितना भी करंट चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्राइमरी कॉइल में,
उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे, जितना भी ईएमएफ इंड्यूस होगा यानी वोल्टेज की हम बात करें, जितना भी वोल्टेज यहाँ पे डेवलप होगा उसका डायरेक्ट रिलेशन किससे, कि यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ करंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, जितना भी करंट चेंज करेंगे प्राइमरी कॉइल में उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में। मैथमेटिकली इसे किस तरह से लिख सकते हैं, देखें ईएमएफ इंड्यूस्ड कल भी मैंने बताया था एक्साइज साइन से आप शो करते हैं, और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल यहां पे एस लिख देंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, यहां पे पी लिख देंगे, ठीक है, पी फॉर प्राइमरी एंड एस फॉर सेकेंडरी, और माइनस का साइन लेंज लॉ की वजह से लगेगा। कल हमने ये डिस्कस किया था कि लेंज लॉ एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है, अपोज कर रही होती है किसी भी चेंज को, उसी वजह से माइनस का साइन यहाँ पे हम लगा देते हैं। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब आप रिमूव करते हैं तो फिर कॉन्स्टेंट आ जाता है यहाँ पे, और एक्स आई एस फिर इक्वल का साइन माइनस एम यहाँ पे कॉन्स्टेंट जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन, तो इसका जो कॉन्स्टेंट है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेयर एम इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी which is called mutual inductance, and negative sign is because of Lenz law. ठीक है, ये लाजमी सेंटेंस लिखा करें इसमें, and negative sign is because of Lenz law. तो यहां तक इसको देख लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, अभी लिखा हुआ है, इसका स्क्रीन शॉट ले लें या इसको नोट कर लें। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि सेकेंडरी कॉइल में जितना भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्ट रिलेशन है कि प्राइमरी कॉइल में जितना करंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, और ये क्या है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। तो ये इससे ही आप समझ सकते हैं, और अगर ये चीजें मौजूद हो तो ये बना भी सकते हैं, बना के भी देख सकते हैं, और आप खुद से देखेंगे कि करंट चेंज करेंगे और जो दूसरी कॉइल है वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस होता है जिससे हम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। देखिए, वैसे जो एम मीटर होता है असल में करंट को मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एम मीटर होता है, लेकिन एम मीटर एक बड़े अमाउंट को जो है ना वो डिटेक्ट करता है, जैसे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है, 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर इसको डिटेक्ट करता है एम मीटर। लेकिन जब हम लेट सपोज एक ऐसा अमाउंट ऑफ करंट जिसको हम कहते हैं 1 माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो का मतलब है 10 लाखवां हिस्सा, 1 एम्पेयर, अब हम कह रहे हैं कि 10 लाखवां हिस्सा यानी इतना आप रिड्यूस कर दें कि वो 10 लाखवां हिस्सा बन जाए, 1 माइक्रो एम्पेयर, अब इतना करंट आपने डिटेक्ट करना है, तो ये एम मीटर नहीं कर सकता डिटेक्ट, एम मीटर की नीडल हिलेगी भी नहीं इतने माइनर से करंट से।
तो उसके लिए फिर गैल्वेनोमीटर होता है, एक सेंसिटिव डिवाइस है। तो ये गैल्वेनोमीटर हमने इससे लगाया कि माइनर से भी यहाँ से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ये डिटेक्ट करके दिखा देगा, ठीक है। इससे हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। तो वो जो आप कह रहे थे कि सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें, तो बड़ी सिंपल सी बात है, कॉयल बनाए इंसुलेटेड कॉपर वायर ले लें, इंसुलेटेड कॉपर वायर लेके आप जो ना कॉयल बनाए, फिर इस कॉयल के यकीनन दो एंड होंगे, इन दोनों एंड को आप किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करें और फिर एक रियोस्टेट भी लगा दें। रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिससे आप अमाउंट ऑफ करंट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप करंट को चेंज करेंगे विद हेल्प ऑफ रियोस्टेट, तो करंट के चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। आपको पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो फिर उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो इस कॉयल में भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और ये फील्ड मैंने ये बना दी। अब इसी के बिल्कुल करीब हम दूसरा कॉयल रख रहे हैं ऐसे कि इसकी फील्ड उसमें से भी पास हो जाए कॉयल में से। अच्छा, अब यहां से जब करंट चेंज करेंगे तो यहां से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। जब प्राइमरी कॉयल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यकीनन सेकेंडरी कॉयल का भी चेंज होगा, क्योंकि वो इसके सामने रखी हुई है। और जब यहाँ से फ्लक्स चेंज होगा तो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। यहाँ पे जो है ना ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ओके, अब ये इसमें हम कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्या कह रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको अगर आप डिफाइन करें तो बड़ा सिंपल सा है, एम को यहाँ छोड़ दें और ये जो टर्म है आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसको यहाँ डिवाइड में ले आए। तो जब इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो एक रेशियो बन जाएगा किसका, आपके पास ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, इसका रेशियो बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल से, ठीक है। तो फिर वो जो कॉन्स्टेंट हमें मिलेगा उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। ये मैं अभी आपके सामने यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस को। यही फॉर्मूला को अरेंज करेंगे, ठीक है, अरेंज करेंगे तो एम इज इक्वल टू, ये आपके पास चले मैं फॉर्मूला भी बाद में लिखूंगा, पहले इसको मैं डिफाइन कर देता हूं आपके सामने। द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल xi s to the rate of change of current in primary coil is a constant which is called mutual inductance. देखिए ये फॉर्मूला सामने लिखा है, इसी को मैं अरेंज कर रहा हूं। तो ये आपके पास आ जाएगा M इज इक्वल्स टू एक्स आई एस ओवर डेल आई पी
ओवर डेल टी, इस तरह से करके आ जाएगा। ये आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल है, ये एस लिखा हुआ है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, और ये पी प्राइमरी के लिए लिखा हुआ है हमने, इसी को अरेंज किया हुआ है। तो क्योंकि कांस्टेंट एक आपके पास नंबर होता है, तो उस नंबर के लिए माइनस का साइन लगाना जरूरी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें एक नंबर तक पहुंचना है, कांस्टेंट नंबर तक, तो उसमें माइनस का होना ना होना एक ही बात है। इससे इसका यूनिट निकालेंगे, यूनिट बड़ा सिंपल सा है। ये जो एक्साय एस है, ये बेसिकली ईएमएफ है, ईएमएफ वोल्टेज होता है इंटरनल, और वोल्टेज को वोल्ट्स में मेजर करते हैं, वोल्टेज को वोल्ट्स में मेजर करते हैं, और करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे इसका जब यूनिट हम लिखेंगे, ऐसा यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस का हेनरी है, एच ई एन आर वाई हेनरी, जो कि इक्वल किसके, वो इसमें इस देख के भी लिखवा देता हूं आपको। डेफिनेशन अगर आपसे पेपर में कोई पूछेगा कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो फिर यकीनन आप जो है ना वो आप इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन करके फॉर्मूला लिखेंगे। तो यही काम मैंने भी किया है कि पहले डिफाइन कर दिया और फिर उसका फॉर्मूला लिखा है मैंने। एस आई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी, एच ई एन आर वाई, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे, विच इज इक्वेलेंट टू किसके इक्वल होती है, यहां से देख लें, देखिए वोल्ट इक्वेलेंट टू यहां पे करके मैं लिख देता हूं, वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकेंड, ठीक है, इस तरह से करके आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकेंड। बाकी इसको फर्दर भी आप ले जा सकते हैं, ये डिवीजन का साइन अगर मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पेयर, ठीक है, इसके भी इक्वल है। जब इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करेंगे तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, और रेसिप्रोकल में जाएगा तो अभी एम्पेयर पर सेकेंड है, फिर सेकेंड पर एम्पेयर हो जाएगा, तो फिर इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो या तो इसके इक्वल करके लिख दें, या इसके इक्वल करके लिख दें, बात एक ही है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का मैंने यूनिट भी आपके सामने जो है वो निकाल के दे दिया, हेनरी तो है ही है, लेकिन ये किसके इक्वल है आपके सामने लिखा हुआ है। तो एमसीक्यू बन के आ सकते हैं कि हेनरी इज इक्वल टू, ठीक है, तो हेनरी इज इक्वल टू, इस तरह के ऑप्शन आपको दे सकते हैं, तो आप इस फॉर्मूला की मदद से पूछिए। ओके, इसके बाद अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, होप तो ये तो समझ में आ गया होगा, इसके स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल है, आप उसमें करंट को चेंज करते हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो वो मैं पहले बना देता हूँ तो फिर आपको बात समझ में आएगी। सेल्फ इंडक्शन,
इसमें कॉइल एक ही है, ठीक है, और इस कॉइल को आप कनेक्ट कर देते हैं एक सोर्स के साथ, और एक रियल स्टेट यहाँ पे शो कर दें, अच्छा आप देखिए सर रियल स्टेट की मदद से आप क्या करेंगे यहाँ पे करंट को चेंज करेंगे, तो फिर यहाँ पे कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ईएमएफ हमने दिया हुआ सोर्स लगा हुआ बैटरी लगाई है हमने, बिल्कुल ऐसे ही है बैटरी लगी हुई है, ठीक है, एक ईएमएफ तो यहाँ से मिल रहा है। अच्छा अब फ्लक्स चेंज करने की वजह से अब जब चेंज आएगा तो यकीनन इनर्शियल प्रॉपर्टी तो आएगी, ऐसे यहाँ आप चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप यहाँ से करंट को चेंज कर रहे हैं, अब करंट को चेंज करने की वजह से वहां पे फ्लक्स चेंज होगा। अब जब फ्लक्स चेंज होगा तो फिर ये जो कॉइल है ये एक बैक ईएमएफ इंड्यूस करता है, एक ईएमएफ तो है ही है, उसके अपोज उसके ऑपोजिट जो है वो एक और ईएमएफ जो है ना वो इंड्यूस होता है जिसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। दोबारा सुन लें, एक ईएमएफ यानी सर्टेन डायरेक्शन में देखिए करंट को फ्लो कर रहा है, जब आप यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, और रियल स्टेट की मदद से आप जब यहाँ पे करंट को चेंज कर रहे होते तो करंट की एक डायरेक्शन तो है ना यहाँ पे, यहाँ पे फ्लक्स चेंज करने की वजह से वहां पे सॉरी यहाँ पे करंट चेंज करने की वजह से जो यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इस फ्लक्स में चेंज आने की वजह से ये जो कॉइल है ये क्या करता है, ये एक बैक ईएमएफ भी इंड्यूस करके देता है जो उसको अपोज करता है, जो चेंज आप लेके आ रहे हैं, आप चेंज ला रहे हैं ना उसको अपोज करने के लिए वो भी क्या करता है, एक बैक ईएमएफ इंड्यूस करके देता है। इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, इसको क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आप शो कर देंगे सर्टेन डायरेक्शन में, ये बी की वैल्यू है, when current is changed in a coil with the help of rheostat and EMF is induced in the coil due to change in magnetic flux, ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है करंट चेंज होने की वजह से, उसकी वजह से फिर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है इसमें, यहां पे हम लिख भी देते हैं दिस ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ, एक ईएमएफ एक डायरेक्शन में है, ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ना वो मूव करता है उसको अपोज करने के लिए, दिस ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ। मैथमेटिकली क्या चीज लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of current in the coil, जितना भी current change करेंगे उतना ही back EMF induce होगा
EMF induced is directly proportional to rate of change of current. बस इतनी बात लिखेंगे, माइनस का साइन लगेगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब आप रिमूव करेंगे तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, और कॉन्स्टेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस है जिसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, इससे पहले जो कॉन्स्टेंट था उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट आएगा उसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वल का साइन माइनस ये वाला, एल इसमें कॉन्स्टेंट, और डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, वेयर एल इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी which is called self inductance and negative sign is because of Lenz law. ये बात तो याद हो गई होगी आप लोगों को, and negative sign is because of Lenz law, ठीक है। यहां तक आप इसको देख लें, आसान सी बात है, इतनी मुश्किल नहीं है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। चलें, सेल्फ इंडक्टेंस को मैं डिफाइन कर रहा हूं, इसी को अरेंज कर देंगे, एल को यहां रख दें, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी यहां डिवाइड में आ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। बेटा आपकी मर्जी है, ठीक है। ये भी वही है, मैथमेटिकली सारी चीजें वही है, अगर नोट से याद करेंगे ठीक है वो भी ठीक है, ये याद करना चाह रहे हैं ये याद कर लें, आप पे डिपेंड करता है, या कहीं और से याद करना चाह रहे हैं वो भी याद कर सकते हैं, जो भी लिखता है वो सही लिखता है, ठीक है। जहां पे भी आपको जो भी मतलब किसी के भी लिखे हुए नोट्स हैं वो यकीनन किसी न किसी टीचर ने लिखे हुए हैं और वो बिल्कुल सही है, तो जो आसान लगे उसको फॉलो कर लें। द रेशो ऑफ EMF induced लिख सकते हैं बेटा, ये भी वही वर्डिंग है, बस ये कि अपने अल्फाज में लिखें, तो आप चाहें तो इसको फॉलो कर लें, चाहें तो नोट्स को फॉलो कर लें, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ EMF इंड्यूस्ड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज अ कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सामने लिखा भी हुआ है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला अगर इसका लिखना चाहें तो वही अरेंज करके हम लिखेंगे, एल इज इक्वल टू एक्स आई ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, इस तरह से करके उसी को अरेंज करके लिखेंगे। इसका यूनिट जो बनेगा वो हेनरी है, एस आई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, विच इज इक्वेलेंट टू अब देखिए इसमें ये वोल्ट है और ये एम्पियर और ये सेकेंड, वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड, और जैसे भी थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखा था वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर। ठीक है, तो यहां तक इसको ला के कंप्लीट कर लेंगे हम। तो होप सो कि ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे अगली क्लास में भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।